بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ السلام علیکم معاشی کریں فاضہ غریب نماز آپ سب کو بقرعید بہت بہت مبارک ہو یہ دیکھیں منظر آپ دیکھ رہے ہو بقرعید کے نماز کی بات ماشاءاللہ یہ شہزادہ نی مسجد کے اندر سے نماز پڑھے گئے زائرین لوگ निकल रहा है देख सकते हो तो माशाल्लाह का बेहतरीन नज़ारा है देख सकते हो बहुत रश है और अभी आपको यहाँ से सीधे ले चलेंगे जन्नती दरवाज़ा के सामने जो आज जन्नती दरवाज़ा खुले हुए है वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह तो ये देखिए मैनेजर शाहजहानी मस्जिद के अंदर की इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आपको शाहजहानी मस्जिद से आपको वो दिखाएंगे जन्नती दरवाज़ा दिखाएंगे इंशाल्लाह हमें मौका मिल जाए अंदर जाने फिर जाए देखिए माशाल्लाह किस तरह जाहिर बाहर आ रहा है अंदर जाने का मौका ही नहीं है फिर भी कोशिश कर रहा हूँ माशाल्लाह का जगह मिल गया जी अंदर जा रहा हूँ अरे भाई आने वाले रुक जाओ भाई अरे भाई एक मिनट रुक जाओ यार निकल तो जाने जी एक साइड से आना एक साइड जाना करो तो अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ये देखिए शाहजहानी मस्जिद है सुभान अल्लाह माशाल्लाह क्या नज़ारा क्या राश है देख लीजिए आज तो आप हमारी वीडियो में बना रही है आज इंशाल्लाह पूरी दरगाह शरीफ के अंदर क्या मंजर है कहां पर कितना ज़ायरीन आपको पूरी दिखाएंगे और जन्नती दरवाज़ा भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे ज़ियारत करवाएंगे ये आपको धीरे धीरे जन्नती दरवाज़े के पास ले चल रहा हूं तो उससे पहले थोड़ी बाबा के गुंबद भी ज़ियारत कीजिए आप लोग ये देखिए सुभान अल्लाह देखिए बाबा के गुंबद है आइए आपको जन्नती दरवाज़े सामने ले चलते हैं माशाल्लाह क्या मंजर है देख सकते हो आप सुभान अल्लाह ये देखो जन्नती दरवाजा अबे रश बहुत है देख सकते हो खड़ा होने का जगह ही नहीं है सुभान अल्लाह क्या नजारा है देखिए किस तरह नारा लगा के अंदर चलिए आगे ले चलते हैं बड़ी तादाद में जन्नती दरवाजे से लोग गुजर रहा है चलिए भाई माशाल्लाह देखिए ईद की नमाज अदा की बात सब जन्नती दरवाजे से गुजर रहा है और अंदर जाकर अस्तर से ज़ियारत करेंगे माशाल्लाह ये नज़ारा देखिए मैं थोड़ा सा करीब लेके आया आपको दरवाजे के पास देख सकते हो यहाँ का मंजर माशाल्लाह ये देखिए बड़ी तादाद में ज़ायरीन है और सभी जन्नती दरवाजे से गुजारना चाहते हैं तो मैं आपको जन्नती दरवाजे से अंदर से लेके जाने पाऊँगा मैं बाहर से दिखा के फिर दूसरा साइड में आपको जा रहा हूँ देख लीजिए माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह गरीबों को हज होता है यहाँ पर चलिए आगे ले चलते हैं आपको
इंशाल्लाह के कभी मंजर देखिए। तो जो गरीब हज मुबारक पे नहीं जा पाते हैं वो गरीब नवाज के दरबार शरीफ में आके इस तरह हज जैसे मनाते हैं, माशाल्लाह देख सकते हो नमाज के बाद कितने तादाद में जायरीन है और किस तरह दरगाह शरीफ ज़ियारत के लिए अलग अलग गेटों में जा रहे हैं और जन्नती दरवाजे से गुजर रहा है। आपको वो भी दिखाया हूँ, अभी आइए आपको वास्तव में 3 नंबर गेट भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, ये देखिए आस्था से 3 नंबर गेट तो जन्नती दरवाजे से गुजर रहा है, वो इधर से भी निकल भी रहा है आज। देखिए माशाल्लाह जन्नती दरवाजे से गुजर के इधर से आ रहा है और कोई आस्था से ज़ियारत करके उधर से भी निकल रहा है। यहाँ से गुंबद भी देखिए माशाल्लाह। आइए अभी आपको पूरा पाइथी का नज़ारा देखिए जी, ये है पाइथी का नज़ारा माशाल्लाह देख सकते हो आप। आइए अभी आपको पाइथी से आस्था से दिखाएंगे जहाँ पर कदम उसी होता है। सुभान अल्लाह, ये देखिए पाइथी से ज़ियारत करके लोग बाहर आ रहा है और आप लोग भी ज़ियारत कीजिए इंशाल्लाह हमारे वीडियो द्वारा। ये पाइथी गेट है जहाँ पर कदम उसी होता है आस्था शरीफ, अभी वहाँ पे आप ज़ियारत कर रहे हो माशाल्लाह। देखिए किस तरह एक दूसरे से गले मिलके ईद के बधाई दे रहा है, सुभान अल्लाह देख सकते हो आप। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा पाइथी का नज़ारा इंशाल्लाह, खूबसूरत बेहतरीन मंजार है आप देख सकते हो। आज बकरीद का दिन, पाइथी थोड़ा गुंबद भी देखिए। चलिए आगे चलते हैं, आज का वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएंगे क्योंकि आज ईद के माहौल है, तमाम जायरीन हैं, अब ईद का नमाज अदा किया है और अभी माशाल्लाह बड़ा तादाद में जायरीन है दरगाह शरीफ के अंदर देख सकते हो। इस तरह से आप बकरीद मनाने आते हैं लेकिन इस बार थोड़ा जायरीन कम है क्योंकि आगे जो बारिश हुई थी उस बारिश की वजह से बहुत सारा जायरीन आ नहीं पाया है। अभी गुजरात की कुछ ट्रेनें बंद है तो जैसे बहुत सारा जायरीन आ नहीं पाया लेकिन फिर भी कितना जायरीन है आप देख सकते हो। अभी आतानूर में दूसरी जमात होगा ईद की, इससे पहले मैंने आपका आतानूर से नज़ारा देखा कि बाहर लेके जाना चाहता हूँ लेकिन सर कतार में बैठ चुका है देख सकते हो, कतार में बैठ चुका है। मैं अभी आपको आगे ले चलेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए अभी इधर से रास्ता से बंद है, ये देखिए आतानूर से बंद है, अभी यहाँ पर दूसरी जमात होगा इंशाल्लाह। देखिए सब लोग बैठ चुका है तो अभी यहाँ से आपका सब ज़ियारत नहीं होगा, देख लीजिए अभी यहाँ पर सभी लोग बैठ चुका है नमाज के लिए, यहाँ पर दूसरी जमात होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए पूरा बैठ चुका है और अभी भी पूरा बैठेंगे। चलिए हम आपको धीरे धीरे बाहर की तरफ ले चलता हूँ। देखते हो बाहर जा पाते कि नहीं है क्योंकि सर नमाज के लिए बैठ चुका है और हमें बाहर निकलना है इंशाल्लाह, जा रहा हूँ। आप लोग आपको निकलना है तो उधर से निकल जाओ इंशाल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ। रास्ता बंद है भाई, 4 नंबर गेट से निकल जाओ। जैसे रास्ता बंद हो चुका लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कहाँ तक हम जा सकते हैं, नहीं तो पीछे से घूम के जाना पड़ेंगे हमें माशाल्लाह। देखिए जाने का रास्ता तो है इंशाल्लाह। ये देखिए हम आ जाएंगे दरबार शरीफ, इधर से थोड़ा ज़ियारत कीजिए, देख लीजिए मंजर। और ये संदली मस्जिद है, संदली मस्जिद के अंदर भी जायरीन बैठ चुके हैं नमाज के लिए, ईद की नमाज दूसरी जमात होगा इंशाल्लाह और हम पहले जमात पढ़ गए। आपको ये ज़ियारत करवाते हुए नज़ारा दिखाते हुए बाहर ले चल रहा हूँ इंशाल्लाह। देखिए जायरीन माशाल्लाह, भीड़ लगा के क्या करें, नमाज के लिए तो बाहर निकलो, खाली हो जाओ। भैया दरगाह पे जाने वाले उधर से जाओ, धक्का मार रहे हो भाई, लो धक्का मुक्की शुरू हो गया। यहाँ पे लोग कतार में बैठ चुके हैं नमाज के लिए और जिनके नमाज पहली जमात हो चुका है वो बाहर जाने के लिए रास्ता देख रहा है। हम भी आपको बाहर ले चल रहे हैं। देखिए वजू खाना की मंजर, यहाँ पर वजू बनाया जाता है। देखिए यहाँ के मंजर कैसा है, कितना जायरीन है,
और अभी दूसरे जमात के लिए इधर भी जारिन बैठ चुका है, आप देख सकते हो। कोशिश कर रहा हूँ बाहर ले जाने का आपको। एक कतर सीधा करवा रहे हैं, आपको खड़ा करके देख सकते हो। और ये बाहर से आने जाने का 3 नंबर गेट लंगर खाना गेट, ये देखिए लंगर खाना गेट है। अभी आप ये देखिए खड़ा होकर कतर सीधा कर रहा है। अभी जमात शुरू होगा दूसरी जमात, मैं पहले जमात पढ़ के आपको ये नज़ारा दिखा रहा हूँ। और अभी दूसरी जमात के लिए तमाम जरिन तैयार है इंशाल्लाह। थोड़ी देर बाद जमात शुरू होगा, तो उससे पहले मैं आपको बाहर जाने लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बड़ी देख, बड़ी देख का मंजर देख लीजिए आप, और ये देखिए छोटी देख, छोटी का मंजर देखिए। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी बाहर जाना है क्योंकि अभी जमात के यहाँ पर दूसरी जमात की तैयारी हो रहा है। देख सकते हो किस तरह बड़ी तादाद में लोग लाइन लगा चुका है, आता नूर से लेके पूरे बाहर तक पे दूसरी जमात की खड़ा हो गया। ये देखिए अकबरी मस्जिद, अरे आ जाओ, दो नंबर जिसको आना है या तो ऊपर चले जाओ, चलिए या तो ऊपर जाओ, जी जिनका जमात हो चुका है, नमाज हो चुका है, वो बाहर जा रहा है, और जिनकी नमाज नहीं हुई है वो दूसरी जमात के लिए आ रहा है। और देखिए धीरे धीरे आपको बाहर ले चल रहा हूँ, माशाल्लाह बाहर का ये मंजर देख सकते हो आप, बहुत ही रश है। बाहर निकलने में टाइम लगेंगे, इसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएंगे, तो आपसे गुजारिश है आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। दरगाह शरीफ के अंदर की जो मंजर है आज आपको पूरी पता लगेंगे इंशाल्लाह। और आज बकरीद का दिन है, सभी नमाज के बाद जिनके कुर्बानी है वो कुर्बानी की तैयारी करेगा, कुर्बानियाँ करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जो बाहर निकलने वाला, जो बाहर निकल जाएगा फिर दूसरी जमात शुरू होगा इंशाल्लाह। ये देखिए मेन गेट यानी निजाम गेट, बाहर से अंदर दाखिल होने का दरगाह के लिए मेन गेट पे लेके आया हूँ आपको। सुभान अल्लाह, ये मेन गेट से दरगाह बाजार की मंजर देखिए कितना खूबसूरत है। सुभान अल्लाह, ये दरगाह बाजार की मंजर देखिए, यहाँ रुक नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, ज्यादा भीड़ है। ये देखिए नाला बाजार की मंजर, और ये देखिए तलाघाट हाजिम के जवाब जाने वाला रास्ता है, और ये है आपको पूरी दरगाह बाजार। यहाँ पर पुलिस भी तैनात है, आपको सहयोग है प्रशासन की, किसी तरह आपको कोई परेशानी ना उठाना पड़े, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पर प्रशासन के भी आपकी सहयोग भी है इंशाल्लाह। तो ये देखिए पूरा दरगाह बाजार की मंजर, तो आगे हम नहीं जाएंगे, अभी वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह आज की वीडियो। सुभान अल्लाह, तो ये देखिए मेन गेट निजाम गेट, इसी गेट से आपको अभी बाहर लेके आया हूँ। और ये देखिए मेन गेट के सामने का मंजर, और किस तरह जिनके पहले जमात हो चुका है, जिनके पहले जमात की नमाज हो चुका है ईद की, वो बाहर आ रहा है, देख सकते किस तरह बाहर आ रहा है, और दूसरी जमात के लिए अंदर लोग तैयार हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दे दीजिए हमें इजाज़त। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बकरीद बहुत बहुत मुबारक हो।